उज्जैन जिले के तराना नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देवउठनी एकादशी पर्व के पावन पर्व पर तराना नगर के मंदिरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में माता तुलसी एवं भगवान विष्णु सालीग्राम का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के सालीग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु चार माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। साथ ही तराना के समीपस्थ ग्राम छड़ावत में तुलसी एवं शालीग्राम का धूमधाम के साथ विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम गागलिया खेड़ी के समस्त ग्रामवासी शालीग्राम की बारात लेकर ग्राम छड़ावत पहुंचे, जहाँ छड़ावत के समस्त ग्रामवासियों द्वारा बारात का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के पश्चात हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार शालीग्राम एवं तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन भी ग्रामवासी द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ग्रामवासी शामिल हुए। तत्पश्चात बारात को विदाई दी गई। साथ ही उसी प्रकार तराना नगर के बाके बिहारी मंदिर तेजाजी मंदिर में मनाया गया। साथ ही नाना महाराज गुरु मंदिर में विधि विधान के साथ विष्णु शालीग्राम एवं तुलसी माता का विवाह कार्यक्रम पंडित मधुराम जोशी द्वारा संपन्न करवाया, जिसमें नाना महाराज गुरु मंदिर परिवार के सदस्यों एवं समस्त रहवासियों द्वारा उक्त कार्यक्रम का लुफ्त उठाया एवं एक दूसरे को तुलसी विवाह की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। आज देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन भगवान नारायण पुनः सृष्टि का भार अपने हाथ में भगवान शिव से लेते हैं। मूल रूप से वैकुंठ चतुर्दशी का हरिहर मिलन होता है, परंतु आज से पुनः भगवान विष्णु के हाथ में पुनः कार्यभार आ जाता है। प्राचीन समय में सती वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु को शालीग्राम होना पड़ा था, तथा उस श्राप के अनुरूप भगवान पत्थर बन गए थे, शालीग्राम बन गए थे, तथा उनके मोक्ष के लिए शालीग्राम जी ने भगवान तुलसी सती वृंदा का विवाह किया गया था। वही मान्यता आज तक चलती आ रही है। हम लोग भगवान शालीग्राम और तुलसी का विवाह प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं, यही मान्यता है। और आज इसी रूप में श्री सद्गुरु नाना महाराज मंदिर में श्री शालीग्राम तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, यही बड़ा हर्ष का विषय है। आप सभी को देवप्रबोधिनी एकादशी की, देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।